हरियाणा के लोगों की रुचि हमेशा से खेलों में रही है। देश हो या विदेश, हरियाणा वासियों ने हमेशा खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस रेस में हरियाणा पुलिस भी पीछे नहीं है। बीते दिनों वाराणसी में हुए नेशनल बास्केटबॉल मास्टर 45 वर्षीय टूर्नामेंट में हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इस टीम का नेतृत्व करने वाले सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को सिरसा के SP अर्पित जैन ने सिरसा पहुंचने पर सम्मानित किया। अर्पित जैन ने अपने कार्यालय में सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि बाकी पुलिस कर्मचारी भी नरेश की तरह खेलों में भाग लेते रहें ताकि पुलिस फील्ड में होने वाले तनाव से दूर रहें। बता दें कि हरियाणा की टीम ने तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। सिरसा पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि वो लंबे समय से खेलों में दिलचस्पी रखते हैं। हाल ही में वाराणसी में हुई बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम गोल्ड मेडल जीती है। नरेश कुमार ने बताया कि अगर हम खेलों में दिलचस्पी रखेंगे तो बुरी आदतों और नशे से दूर रहेंगे और शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूं कि वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो गेम्स में भाग लें ताकि वो तनाव मुक्त और फिट रहें। नरेश की इस उपलब्धि पर सिरसा के SP डॉक्टर अर्पित जैन ने उनको बधाई देते हुए कहा कि मैं सभी पुलिस वालों को यही कहता हूं कि नरेश की तरह खेलों में या किसी अन्य गतिविधियों में दिलचस्पी जरूर रखें। ऐसा करने से शारीरिक और दिमागी तौर पर हम ठीक रहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेश कुमार सबके लिए एक उदाहरण बने हैं। समय समय पर पुलिस लाइन में नरेश कुमार की सेवाएं ली जाएंगी ताकि पुलिस कर्मचारी खेलों की तरफ भी ध्यान रखें। को हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।